आन टीवी के दिलचस्प मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। सिखा के टूट गया। किसी अकलमंद इंसान ने कहा है कि जिंदगी नजर का एक धोखा है, जी के देखो कि हकीकत क्या है और क्या सच कहा है। हम सब बचपन से जिंदगी के बारे में कितना हसीन सोचते हैं, कितना रंगीन सोचते हैं, और बड़े होते ही हमें जिंदगी के बेरंग हकीकत का सामना करना पड़ता है। और मेरी रंगीन दुनिया तो उस दिन ही खत्म हो गई थी जिस दिन मेरे बाबा मुझे छोड़कर चले गए, और उस दिन से मैं जिंदगी से एक लड़ाई लड़ रही हूँ, जीने की कोशिश कर रही हूँ। वो लड़ाई जो मैं अभी तक जीत ही नहीं पाई, लेकिन हारी भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास एक उम्मीद है जो ना टूटी है और ना मुझे टूटने देगी, मेरी अम्मी। अम्मी क्या हुआ, क्या हुआ? अच्छा मैं पानी लेकर आती हूँ, पानी लेकर। आप वहां बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, आपसे एक ग्लास पानी नहीं दिया गया? मैंने समझा जब तक मैं उठूंगा तू आ जाएगी, इसलिए मैं नहीं उठा। सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार रहे हैं आप, फला ये कर देगा तो मैं क्यों करूं, बीवी कमा रही है तो मैं क्यों कमाऊं। देख रही है सफिया तू इसको, कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे जलील करने का। अगर मेरी औलाद होती तो ऐसा करती? अल्लाह बहुत इंसाफ करने वाला है और औलाद भी उसी को देगा जो जो इस काबिल होगा। समझा इसको सफिया, समझा इसको। जिस दिन मैं फट पड़ा ना, संभाला नहीं जाऊंगा मैं तुझसे। क्यों बेटा सुबह सुबह अपना दिल जला रही हो? हमें ये बात तो आपको शादी से पहले सोचनी चाहिए थी ना, बेटी ऐसा बाप देखेगी तो उसे गुस्सा नहीं आएगा। अच्छा जाना, बस अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें जल्द से जल्द एक अच्छा नेक और मोहब्बत करने वाला जीवन साथी दे। मम्मी आपका जीवन साथी देख के तो दिल में कभी उमंग ही नहीं हुई कि जीवन साथी हो जिंदगी। रहने भी दो बेटा, मैं तो इतने सालों से सिर्फ एक ही दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह जल्द से जल्द तुम्हें बहुत मोहब्बत करने वाला, ख्याल करने वाला शरीक हयात दे और तुम्हारी सारी नेकियों का तुम्हें अजर दे और उन तकलीफों का भी अजर दे जो ना चाहते हुए भी तुम्हें इस घर से मिली है। मम्मी मुझे आपसे कभी कोई तकलीफ नहीं मिली। अच्छा मैं जल्दी से आपको नाश्ता करा देती हूँ, उसके बाद मुझे निकलना है, जरा लगा रही हूँ। सफिया तू मुझको दुनिया का घटिया तरीन इंसान समझती है, तेरी बेटी थी ना ये, फिर भी मैंने तुझसे शादी की और इतना बस जबान तूने इसको बना रखा है, देखता हूँ कौन शहजादा इससे शादी करेगा। नहीं नहीं हिम्मत नहीं हारनी। अरे क्या हो गया, कम ऑन यू कैन डू दिस, एक राउंड और, कम ऑन। क्या हुआ इतनी जल्दी हार मान ली, बूढ़ों वाली हरकतें शुरू कर दी यार आपने। अल्लाह तुम तो ऐसी दौड़े लगवा रहे हो जैसे मुझे घर से भागना है। अरे नहीं नहीं आपको घर से नहीं भगाना मैंने, वरना आपकी जानू जो है ना वो आपके बिना मर जाएंगे, वरना कब का आपको भगा के ले जाता। बहुत हो गया, अब नहीं, थक गई बहुत। अरे बैठने का वक्त नहीं है,
क्योंकि आपके एक अदा जो शौहर है ना, वो घर में आपके इंतजार में ताजा ताजा ऑरेंज का जूस तैयार करके बैठे होंगे। अगर 5 मिनट इंतजार कर लेंगे तो उनका कुछ चला नहीं जाएगा। अच्छा पानी तो पिलाओ। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये लीजिए। अच्छी भरी घर में बैठी रहती थी, क्या काम लगा दिया तुमने। ये उम्र है कोई दौड़ लगाने की। तो आपका कसूर है ना। अब मेरे का कसूर है इसमें कि मेरे घर में जो एक लड़की है वो मुझसे 40 साल बड़ी है। अब मैं जवान हूं तो उसे भी तो जवान ही होना होगा ना। अरे तो ले आओ ना कोई जवान लड़की अपनी जिंदगी में, मुझे क्यों मुश्किल में डाल दिया। ये भी आपका कसूर है। आपके साथ रह रहे के ना अब मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे हो चुके हैं। अब मुझे आजकल की ये जो फेक किस्म की जो सोशल मीडिया बिम्बोज है ना, ये मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आती। वो शायर ने क्या खूब कहा है कि लाख तुमसे हसी होंगे पर तुमसे कहां। अरे पगले ऐसे नहीं, लाख तुमसे हसी पर तुमसे कहां। अब एक ही बात है ना। वैसे एक बात तो है, आपके जानू से कोई खुशनसीब भला हो सकता है क्या। चलें अब बैठी रहेंगी या चलें आए दौड़ लगाएं, एक राउंड कंप्लीट करना है। कम ऑन, चलो एक और राउंड बस, देन आप और आपके जानू और ऑरेंज जूस। जब से मेरा पोता जवान हुआ है मेरा तो रकीब बन गया। रकीब भी क्या, बल्कि दुश्मन। अच्छी खासी बीवी के हाथ की चाय मिला करती थी, अब उन्हें जूस बना के पिलाओ। अरे पहले उनके लिए जूस बनाओ, फिर थकी हुई बेगम के पैर दबाओ। अच्छी रिटायर्ड लाइफ गुजर रही है शब्बीर साहब। आ जाएंगे तो साफ साफ कह दूंगा कि आइंदा ये वॉकिंग शॉकिंग नहीं चलेगी। मेरी बीवी मेरी मर्जी। चुपचाप जूस बनाइए शब्बीर साहब, आपकी पहली बड़ी चली है जो अब चलेगी। कहा दिया तुम। गुड रन। बूढ़ी दादी का तो ख्याल कर लिया करो। अरे आइए आइए, क्या हो गया, थक गई आज क्या। अरे थक गई, मुझे तो लगता है कोई पट्टे वट्टे खींच गए। अच्छा जूस तो लाओ मेरा। जब से नोट करो कि जब से मैंने ज्यादा केयर करनी शुरू कर दी ना आपकी नखरे थोड़े बढ़ नहीं गए। लगता है कि दादा ने जो जवानी में हसरतें पूरी नहीं की वो आप मुझ पे निकाल रही हैं। लीजिए जनाब आपका जूस। शुक्रिया। अरे मियां किस धंधे में फंसा दिया तुमने है? रोज वॉक पे ले आते हो। एक जमाना था कि हमारी खिदमत किया करते थे सारे दिन, अब ये वॉक से आते थकी हुई और हम इनकी खिदमत कर रहे होते हैं सारे दिन। अरे आपने क्या खिदमतें की होंगी, दिन में 2 दफा मुझसे पांव दबवाती हैं। ये जवानी में जो आपने नखरे नहीं उठाए ना इनके, ये मुझसे उठवा रही हैं। अच्छा बस कर दो रोना, तुम दोनों बुढ़ी हो गई। अगर मैं या मेरे नखरे नहीं उठाए जाते ना तो ले आए एक लड़की, मुझसे नहीं होते ना घर के काम ना खिदमत। क्या कह रही हैं आप। अरे भाई इस उम्र में हम दूसरी शादी करेंगे क्या। अरे क्या हो गया है, अपनी शादी की फिक्र। जवान लड़का घर में घूमता नजर नहीं आता आप। तो मियां हम तो समझे थे हमारी लॉटरी निकल आई। हाँ सोचते हैं इसकी शादी अभी सोचते हैं। वैसे भी तो हमें इस घर में कोई ऐसी लड़की चाहिए जो हमें चाय बना के पिला दिया करे। भी आप दोनों प्लानिंग करते रहें, क्या पता मेरे दिल में ऑलरेडी कोई घर कर चुकी हो। हाँ आखिर वो कौन है जिसकी हमें खबर नहीं है। अरे दिल के राज है बेबी, कभी कभार इंसान को खुद भी पता नहीं होते। कोई गुलाबी गालों वाली नाजुक हसीना। अच्छा अब ज्यादा ना घुमाओ, बताओ कौन है, मिलवाओ मुझे। अरे ऐसे ही कह रहा है, कोई लड़की वड़की नहीं है इसकी किस्मत में। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, इतना खूबसूरत इतना जवान मेरा पोता है, 10 लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती हैं, वो तो यही लिफ्ट नहीं कराता। अरे दिल की लिफ्ट है, खुद से खुल जाती है और कोई उसमें बैठ के सीधा दिल में उतर जाता है। बस इस बार कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे साथ, सोच रहा हूँ मिलवा ही दूँ तुम्हें। शाम को जरा अच्छे से तैयार है ना, ठीक है मैं चलता हूँ। ओके बेबी, ओके दादा।
बाय बाय। क्या वाकई कोई पसंद तो नहीं कर ली इसने? किसको कह रही हो? अरे इंतहा संजीदा किस्म का लड़का है ये, लड़कियों के पीछे पड़ने वाला नहीं है। संजीदा तो आप भी बहुत थे मुझसे मिलने से पहले। बस फिर आपको देखा तो उसके बाद सारी संजीदगी रफू चक्कर हो गई हमारी तो, हैं? अच्छा बस कर दें, इस उम्र में ये रोमांटिक बातें अच्छी नहीं लगती। अल्लाह अल्लाह किया कीजिए। वही आप ही ने शुरू किए, मैं क्या करूं। जूस पिए। आज तो थका दिया इसने मुझे। Are you serious? अच्छा, of course यार, मजाक कर रहे हो तुम मुझसे? अरे फिक्र मत करो, सुन लिया मैंने, तुम बुलाओ और मैं ना हूं ऐसा हो सकता है? कहां जाने का प्लान बन रहा है? फिक्र होल्ड करो। कहीं नहीं, वो प्लान तो जैद को ही पता होगा, उसका जाना है। जैद तुम्हारा बॉस है क्या जो उसके बुलाने पे मुलाजमों की तरह भागते हुए चले जाते हो? मम्मी वो मेरा दोस्त है और दोस्त एक दूसरे के बुलाने पे इसी तरह जाते हैं। लेकिन मैंने तुम्हें तो कभी भी उसे अपने कामों के लिए बुलाते हुए नहीं देखा। क्योंकि अक्सर मेरे पास कोई प्लान नहीं होता। Exactly. जिस इंसान की जिंदगी की कोई सिमत या प्लान नहीं होता ना, उसे लोग यूज करते हैं अपने प्लान्स पूरे करने के लिए। तुम अपने करियर पे फोकस करो। कम ऑन, छोड़ दो बेचारे को सुबह सुबह तंग करके रखा हुआ है। हेलो। अरे बात सुनना, वो जरा लाउड स्पीकर ऑन करना। अच्छा ओके, एक मिनट। हाँ बोलो, तुम स्पीकर पे हो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक अंकल। आंटी अगर आपको मेरा आपके बेटे से बेतकल्लुफ होना जरा बुरा लगता है ना, तो उसके लिए आई एम सॉरी। देखिए तकल्लुफ तो वैसे भी रिश्तों में फासले पैदा करता है, और आपका बेटा तो मेरा दोस्त, मेरा जिगर, मेरा जान, मेरा भाई है, तो उसके साथ अगर मैं बेतकल्लुफी में थोड़ा सा रोब जमा लेता हूँ तो उसके लिए माजरत। वैसे ये बात ये भी जानता है कि अगर किसी भी वक्त इसको मेरी जरूरत पड़ती है ना, तो ये मुझे फोन नहीं करता, मैं ऑलरेडी इसके पास होता हूँ। ऑफ कोर्स ब्रो, बिल्कुल ठीक कहा, वी आर फैमिली। सही कहा बेटा, अच्छे दोस्त और अच्छी बीवी अल्लाह मियाँ की तरफ से तोहफे होते हैं, इंसान चाहकर भी हासिल नहीं कर सकता। क्या मतलब है इस बात का? मेरा मतलब है कि मैं लकी हूँ कि मेरे पास आप जैसी अच्छी बीवी और जैद के दादा जैसा अच्छा दोस्त है। थैंक यू अंकल। जिगर फराज सुन, शाम को खाली आदमी आए ठीक है, और 5 मिनट भी लेट हुआ ना, तुझे दरवाजे से वापस भेज दूंगा, समझा? फिक्र नहीं करो, मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ अच्छा सुन, वो जो तूने बेकरी रेकमेंड की थी उसके केक ठीक होते हैं ना? बहुत बहुत अच्छा केक है। अच्छा ओके ओके बाय बाय आंटी, खुदा हाफिज, सी यू, बाय। ये क्या है जिगर जानी, किस किस्म की लैंग्वेज यूज करता है? इसीलिए मुझे तुम्हारा जैद के साथ बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा दोस्त है मेरा। कैरी ऑन बेटा। अरे अम्मी आखिरी निवाला रह गया, खा लेना, मुझे तो तुम रोज नाश्ता करवा देती हो और खुद बगैर नाश्ते के चली जाती हो। अब बस भी कर दो सफिया, खाए बिना भला कौन रहता है? अगर ये घर से खा के नहीं जाती होगी तो वहाँ ऑफिस में जाके खा लेती होगी ना, वो क्या कहते हैं केक, पेस्टियाँ, पेस्टी वगैरह। जी जी मैं खा लेती हूँ पेस्ट्रीज और केक, वैसे भी जिंदगी की गाड़ी अब खाली पेट तो इंसान नहीं चला सकता, खास तौर पे ऐसी गाड़ी इसमें खामखा के रिश्तों का बोझ भी हो। खामखा ही सही, अभी बोझ तो तुम नहीं उठाना है ना। क्या हो गया सलीम, किसी दिन तो उसे सुकून से जाने दिया करें, जहाँ बच्ची तैयार होती नहीं जाने के लिए आपकी तंजिया बातें शुरू हो जाती हैं। रहने दे अम्मी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप परेशान ना हो। बेटा तुम्हारे होते हुए मुझे परेशानी कैसी, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, तुम्हें बहुत खुश रखे। बात सुनो, तुम्हारी माँ की दवाइयाँ खत्म हो गई और मेरे जेब में बस ये अब ये 10 रुपए बाकी बचे। जी जी मुझे याद है, आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं,
आज तनख्वाह मिलेगी तो मम्मी की दवाइयाँ, जूस, फ्रूट वगैरह मैं सब ले आऊंगी। अम्मी अल्लाह तुम्हें बहुत कदर करने वाला शौहर दे, तुम्हें बहुत सुखी रखे। अम्मी आपको बहुत कोई मोहब्बत और कदर करने वाला मिल गया तो मुझे मिलेगा। वैसे भी आपने सुना नहीं, माँ और बेटी एक दूसरे का अक्स होते हैं, खूबियों में भी और नसीब में भी। अच्छा मैं अपनी चादर ले आती हूँ, मुझे निकलना है। अल्लाह मेरी बेटी का नसीब अच्छे करे, उसको एक बहुत प्यार करने वाला अच्छा जीवन साथी दे। या अल्लाह किसी ऐसे शख्स से उसे मिला दे जो उसे बहुत इज्जत दे और बहुत मोहब्बत दे। अब ये भी देखो, रिस्क की ज्यादती है ना, नाशुक्री है ये। खुदाफिस बेटा। खाओ ना, मुझे पता है तुम नहीं खाओगे, फिर मैं ही खा देता हूँ। लड़के हो क्या किसी से? रोज का मामूल है। अच्छा इससे चलो, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। बोलो क्या है। वो जो नहीं एक क्लाइंट आया था स्पेशल केक का जिसने ऑर्डर दिया था। हाँ। उसी कॉल आई थी। उसे नंबर किसने दिया? ऑफ कोर्स वो क्लाइंट है, उसको कुछ चाहिए थी गाइडेंस तो मैंने दिया। वो घर का एड्रेस भी दे देना था ना, बल्कि किसी कैफे में बैठ के अच्छी तरह कॉफी के दौरान बता देती, उसको गाइडेंस दे देती। हाँ लेकिन उसने ऐसा कहा नहीं ना। मेरी बोली भानो कब बड़ी होगी तो। यार वैसे वो एक शरीफ आदमी लग रहा था, अच्छी फैमिली का। डिज्नी की कार्टून्स ने ना लड़कियों के दिमाग ही खराब कर दिए। सबको ये लग रहा होता है कि मैं एक सिंड्रेला हूँ, घर में बर्तन घस रही होती है और सोच रही होती है इसी दिन आएगा मेरा शहजादा और मुझे महल में बिठाए। पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। पांचों उंगलियां बेशक एक बराबर ना हो लेकिन होती उंगलियां ही। इसी तरह मर्द ऊपर से जितना भी शरीर दिखता हो ना, अंदर से होता फकीर। तुम्हें पता है ना उंगलियों के बीच में एक अंगूठा भी होता है। चुप हो जाओ, तुम तो अपने ही मंतके बनाती रहती हो। नहीं नहीं तुम ज्यादा नेगेटिव हो जाती हो चीजों को लेकर। ओए ओए मिस्टर ये क्या है, क्या बेहूद गया ये, इस तरह क्यों बाइक हमारे करीब खड़ी की है? Excuse me, पेट्रोल खत्म हो गया बाइक में। हम दोनों रोज ब्लास्ट लेते हैं और तुम जैसे 100 टकराते हैं हमें। ये मत सोचना कि लड़कियां अकेली खड़ी हुई हैं तो डर जाएंगी, अपने हक के लिए लड़ना आता है हमें। हमारा पीछा किया ना अच्छा नहीं होगा, समझे? लड़कियों के बम पटने को तैयार बैठी हुई। मैं तंग आ गया उस तरह का नाश्ता कर करके रोज। दिल चाहते कभी तो पराठा और ऑमलेट हो। चल जिस दिन को हो उस दिन बना कर देती। हेलो। हाँ भाई नाश्ता कर ली तूने? नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा करना, नाश्ता करने के फौरन बाद ना जरा मुझे बता आसपास कोई पेट्रोल पंप है, जरा पेट्रोल लेके आ जा, मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। हाँ हाँ काम। नहीं जैद बेटा आज फराज नहीं आ सकता, इसने मेरे साथ किसी जरूरी काम से जाना है। हेलो। अबे यार चल बेटा जैद बाइक साइड पे लगा, बस में जा और पेट्रोल ढूंढ। क्यों किया आपने सर? इसलिए कि तुम मेरे साथ नाश्ता कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं है जाने की। फराज नाश्ता तो करके जाओ। तानी इनकी अजीब ही दोस्ती है, पेट्रोल खत्म हो गया। तुम खामखा इतनी नेगेटिव हो रही हो सकता है उसकी बाइक का पेट्रोल एक्चुअली खत्म हो गया। ये आजकल के लड़के ना तनहा लड़कियों को रोड पे देखते हैं और फिर ऐसे ही बहाने बनाते हैं बात करने के लिए। शुक्र करो उसने हमारा पीछा नहीं किया। बस वैसे ये बस स्टॉप की तरफ क्यों आ रहा है? देखो देखो। अरे क्या बोला था मैंने तुम्हें, अभी इसको ठीक करती हूँ मैं। कितना बुरा लग रहा होगा, लग रहा होगा जैसे इन लड़कियों के पीछे आया हूं मैं। सुनो जरूर, रुको रुको रुको, क्या पता वो हमारा पीछा ना कर रहा हो, क्या पता वो ऐसे ही बस स्टॉप पे आया हो। हाँ हम बस रोकते हैं, बस रोकते हैं। तुम ना सब कुछ देख के भी ना हमेशा अंधी बनी रहोगी।
हाँ जी। हाँ भाई, डल गया पेट्रोल? हो रहा है मसला हल। खैर तू अपनी खैर मना, तुझे आंटी ने रोक लिया इसका मतलब है आज तेरी मावरा के साथ डेट लगने वाली है। तो मीन है। हाँ सेम टू यू, सेम टू यू। ओके भाई आ गई बस। उसकी तरफ देख क्यों रही हो? मैं इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मुझे वो शरीफ आदमी चल रहा है। शरीफ हालत आदमी ऐसे ही करते हैं, लड़कियों का पीछा करते हैं इस तरह। यश ना भाई, एक दफा भी नहीं देखा है और अपने साथ कोई किताब लेके आया, मुझे लगता है शायर ही आदमी। कोई शायर वायर नहीं होगा, चीप आदमी होगा। आजकल के लड़के ना यही नए नए हलबे इस्तेमाल करते हैं लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए, शायर हैं, गायक हैं, ये होता है सब। हैं? लेकिन ये हरबा तो काफी इंटेलिजेंट हरबा है। वैसे मजाक कर रही हूँ लेकिन डोंट थिंक नेगेटिव, पर इतना बुरा नहीं होता। ये वाला बुरा है। अच्छा अदर मेरे पैर में झटका आ गया है। आओ तो सही, इधर आओ, मेरा वेट ही कर लो। Nice name. अगर मैनेज हो जाएगा तो फिर तो सही है। हाँ नो इशू, ठीक है मैं ईमेल कर देता हूँ। ऑल राइट ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़। So surprised to see you. Hi. Hello, Faraz. Faraz, मावरा का ना थीसिस चल रहा है और इसे उससे रिलेटेड कुछ चीजें लेने जाना है बाजार, और तुम जानते तो हो इसे बाजार जाने से कितनी घबराहट है, तो तुम इसे आज लेकर जाओगे? आज? नहीं, आज तो मेरा जैद के साथ कमिटमेंट है। जैद के साथ तुम्हारी रोज कोई ना कोई कमिटमेंट होती है, आज तुम सिर्फ मावरा के साथ जाओगे, सुना तुमने? नहीं, आज मैं तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं जूस लेकर आती हूँ। रहने दे आंटी, जैद मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फराज के लिए, मैं खुद चली जाऊंगी। मावरा रुक जाओ यार। क्या सर आओ, क्यों जा रही हो? और वो जो जैद से तुम्हारी कमिटमेंट है वो करता हूँ मैनेज। पता है तुम जैद को जो इतनी इंपॉर्टेंस देते हो ना, मुझे बड़ी जेलसी होती है उससे। डोंट बी सिली यार, दोस्त है मेरा, बेस्ट फ्रेंड है, इट्स ओके। एक बार उसे मैसेज कर लो। ये भी हमेशा अचानक गलत वक्त पे आ जाती है, मैं जैद से क्या कहूं? मैसेज करता हूं। मोहम्मद जैद का केक ऑर्डर है सर। ये जैद साहब ने भेजा? थैंक यू बेटा। थैंक यू।
ये शर्ट काफी सूट कर रही है तुम पे। You're looking handsome. Thank you. जैद लेकर आया था, मुझे भी अपने लिए शॉपिंग करने जाते, मेरे लिए भी कुछ ना कुछ ले आता। My God, फराज, please. मैं ना तुम्हारे जैद से वाकई इरिटेट होने लगी हूँ। मतलब है तो थी है भाई, बंदा अपनी कोई बात कर ही नहीं सकता। देखो, अगर तुम्हें जैद से कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो मुझसे मिलना बंद कर दो, क्योंकि मैं तो उसको छोड़ नहीं सकता, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड। तुम्हारे चेहरे पे आई मुस्कुराहट भी जैद के भेजे किसी जोक की वजह से आई होगी, है ना? मेरी जिंदगी में 90% खुश होने की वजह जैद ही होता है। अगर तुम भी उससे मिलोगी ना, तो तुम भी उसकी फैन हो जाओगी। इट्स सो फन। आई एम श्योर। वेलकम सर। थैंक यू। यार पेन मिल सकता है? जी जी श्योर। यार ये जगह भी चाहिए। हाँ अदन, मेरे पैर में झटका आ गया है, इधर आओ तो सही, इधर आओ। उस अदन के नाम, मेरी खुशबख्ती है कि वो मुझे इस दुनिया में ही मिल गई, वो मुझे अगली दुनिया में भी मिलकर रहेगी, मुझे यकीन है। जैद मैम, मैंने आपका एड्रेस लिख लिया है, शाम तक आपके एड्रेस पे आपका केक डिलीवर हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। फिर है कि आज उन्होंने पेमेंट कैश में ही कर दी। अम्मी की सारी दवाइयां खत्म हो गई थी, फिर आज मुझे सैलरी नहीं मिलती ना, बहुत मुश्किल हो जाती। सुनो, मुझे जरा मेरी चादर पकड़ा दो। ये लो। अच्छा, मैं जरा जल्दी जा रही हूँ, मुझे अम्मी की दवाइयां भी लेनी है और भी कुछ काम है। तो तुम बैकअप वगैरह कर लोगी ना? हाँ मैं कर लूंगी, डोंट वरी। मुश्किल होगी ना तो मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें समझा दूंगी। हाँ आराम से। हाँ संभल के जाना तुम भी। I'm so sorry. It's okay. मैं तुम यहाँ पे पहुँच गए? नहीं, देखिए ऐसा कुछ। अदन, लोग बैठे में क्यों रेपुटेशन खराब कर गए वो शॉप की? और मैं जाऊँगा। अदन सुनो, चोर तो नहीं लगी, तुम्हें बता के तो जाओ। बताए नहीं रही। वैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे? एक एक ऑर्डर दिया था, वैसे तो घर पे डिलीवर होना था, लेकिन मैं पास से गुजर रहा था तो मैंने कहा स्टेटस चेक कर लूं। आप मुझे अपना ऑर्डर नंबर बता दीजिए, मैं चेक कर लेती हूं। जैद 422। 422। ओह सॉरी। सर, आपका ऑर्डर आपके घर पे डिलीवर हो चुका है। थैंक गॉड। चले, थैंक यू एंड सॉरी फॉर दिस। आपके फ्रेंड को जब बोनस मिले ना, तो उन्हें कह दीजिएगा कि अपना मेडिकल चेकअप जरूर करा लें। आई थिंक शी नीड्स इट। ओके। क्या जैद, इस कागज के टुकड़े को तुमने अपनी आंखें बना के मेरी सीआईडी पे ला रखा। अरे इतनी भूख लगी हुई थी यार, सोचा था दो गुलाब जामुन खा लूंगा, मगर सत्ते जाऊं मैं सैद की आंखों के, जो हर बार आपको चोरी चोरी मिठाई खाने से बचा लेती है। खबरदार दादाजी, आपने आज जरा सी भी मिठाई नहीं खानी है। अरे यार, मैंने आपका फेवरेट केक ऑर्डर कर रखा है, रात को सब डट कर खाएंगे, बस थोड़ा इंतजार करने। केक ऑर्डर किया क्यों, आज क्या है? आपको सब पता है। क्या कर रहा है ये लड़का? कहीं ये उसी लड़की को तो लेकर नहीं आ रहा है जिसका जिक्र इसने सुबह किया था? लगता है जैद आ गया। अरे आओ जैद,
आओ ना। क्या हुआ इसे? यकीनन लड़ भिड़ कर आया ये किसी से, या तो खुद परेशान है या किसी को परेशान करके आया है। अच्छा आप परेशान होना शुरू, गुलाब जामुन खाएं आप जरा एक, ताकि आपका ब्लड लेवल जो है ना नॉर्मल। तौबा करें, खुद खाना होगा आप। अरे तू मुझे तो खाने देना, एक केक खाना है ना उसने कहा है। क्या करें, पता नहीं क्या हो गया इसे। भाई साहब ये दवाइयां जरा दे दीजिएगा मुझे। देता हूँ। आपके 1200 रुपए हो गए। 1200 जी। उस अदन के नाम मेरी खुशबख्ती है कि वो मुझे इस दुनिया में मिल गई, वो मुझे अगली दुनिया में भी मिलेगी। जैद आज पता चला ना सिर्फ तुम मक्कार हो बल्कि चोर भी हो, भी तुम्हें अगली दुनिया में पहुंचाती हूँ वो भी जहन्नुम में। भाई साहब आप जरा ये दवाइयां रखें। हाँ मैं बस थोड़ी देर में आके लेके जा रही हूँ। ठीक है सही। बस मैं अभी आ रही हूँ। हेलो। हाँ तू बस सुनो, तुम अभी बेकरी से तो नहीं निकली ना? बस ठीक है, बस तुम मेरा वहीं पे इंतजार करो, इंतजार करो, मैं आ रही हूँ बस। जी सब ठीक है। गुड। बस फराज आ जाए तो फिर दादा दादी को यहाँ पे लेके आऊंगा सरप्राइज करने के लिए। खैर दादा को तो पता है दादी के लिए सरप्राइज होगा, खुश होंगे बहुत। फराज रह कहाँ गया? देखिए जरा बाहर कोई आया है शायद। अल्लाह का शुक्र मेरा बच्चा कमरे से तो बाहर आया। एक्सक्यूज मी, आप दोनों में से कोई भी अभी कमरे में नहीं जाएगा, मैं फराज को लेके आ रहा हूं, उससे पहले अंदर कोई नहीं जाएगा। आ रहा हूं मैं। पता नहीं कहां रह गया था। आ जा दादी, दादी वेट कर रहे हैं। घिरे हुए और मक्कार इंसान हो ये बात तो मुझे पता थी, लेकिन इस हद तक हो गई ये मुझे अंदाजा नहीं था। क्या हुआ यार? मिस्टर मुझसे बात करो, मुझे देख के बात करो। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरी सैलरी ले जाओगे और मैं क्या घर बैठ के रोती रहूंगी? एक मुझे मुझे कोई ये बंदा समझा दे कि मेरा कसूर क्या है। तुम भोले बनने की बुरी एक्टिंग नहीं करो मेरे सामने, और जो मेरी सैलरी थी चालाकी से ले गए वो वापस करो मुझे। सैलरी? क्या तुमने चोरी की है? ये जैद हमारा बेटा चोर? नहीं दादा मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल ये मेंटल पेशेंट है और कल हादसाती तौर पे मेरी इनकी 2 दफा मुलाकात हो गई थी, तो उनको ये लगने लगा जैसे कि मैं इनका पीछा कर रहा था। लेकिन पता नहीं किस खुशफहमी में ये यहाँ तक आ पहुंची हैं और मुझे अब इन पे शक होने लगा। अरे मेरे समझ में दोनों कोई बात नहीं आ रही, तुम बताओ बेटा क्या बात है? अंकल असल में बात बहुत छोटी सी है, थोड़े से ये गलत है, थोड़ी सी ये गलत है, और थोड़े से साथ में ये सही भी है और थोड़ी सी ये सही भी है। ये तो तुमने तो और भी कंफ्यूजन में डाल दिया है। नहीं आप इससे पूछे कि अगर गलत फहमी है तो पूरे शहर में सारी बेकरियां छोड़ के मेरी बेकरी कैसे मिली? वो तो फराज मेरा दोस्त है ना, उसने रेकमेंड की थी, मैं तो सिर्फ पहली बार गया था और अब शायद आखिरी दफा। और ये खत इस पे मेरा नाम क्यों लिखा हुआ है फिर? हाँ आओ चुप, दोनों चुप। देखिए आप अपना लिफाफा अदन के पास छोड़ा है और अदन का सैलरी का लिफाफा आप अपने साथ ले आए, तो प्लीज आप अदन को इसकी सैलरी का लिफाफा वापस कर दीजिए, बात खत्म। इसमें बार बार लिखा है मेरी अदन मेरी अदन मेरी अदन, मुझे आप जानते हैं नहीं, शर्म नहीं ऐसा लिखते हुए।
लगता है वाकई हमारा लिफाफा एक्सचेंज हो गया था। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम फराज, आप यहाँ रहते हैं? देखो बच्चियों, ये बात तो वाजे है कि तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। क्यों गेट पे खड़े होकर बात करना अच्छा नहीं लग रहा, अंदर आओ, अंदर बैठ के बात करो। नहीं नहीं, मैं बस वो सैलरी वो। हम दोनों दादा दादी हैं उसके। जी जी, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। ये हुआ क्या है? किसी दिन 3 घंटे आराम से निकाल के आइएगा, तब मैं आपको सुनाऊंगी, बहुत लंबी कहानी है। अभी चलते हैं। My love, my life, my dadi, many many happy returns of the day. आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, अब आप वो पढ़ के सबको सुनाए। क्या भी? इस अदन के नाम मेरी खुशबख्ती कि वो मुझे इस दुनिया में ही मिल गई, वो मुझे अगली दुनिया में भी मिलकर नहीं रहेगी। अदन का मतलब जन्नत होता है दादा, क्या हो गया आपको? मिसअंडरस्टैंडिंग में। अब देखिए, इस दुनिया में और अगली दुनिया में मेरी जन्नत कौन है? मेरी दादी। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इनका नाम बदले दूं, वैसे भी दादी से मैं अब बोर हो चुका हूं। मेरा बच्चा, मैं सत्ते में कुर्बान, मेरे बच्चे की मोहब्बत ने 2 बूढ़ों को फिर से जवान कर दिया, नए जज्बों के साथ जीना सिखा दिया। अगर जैद ना होता तो हम तो गमे तन्हाई से मर ही जाते। बाप रुलाएंगे क्या मुझे? चलें, इसी खुशी में मैंने आपके लिए कुछ और भी लिखा है, ये भी पढ़िए। शायरी लिखी है मैंने। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके। बचपन से दादा और दादी की कमी का एहसास रहता था, लेकिन आज तो और भी ज्यादा हो रहा है। तो बस हम कोई अपना दादा और दादी समझो तो। हाँ बेबी, यानी कि मेरे सारी जिंदगी की मोहब्बत को आपने इनकी एक मुलाकात के बराबर कर दिया है। नॉट फेयर। चुप हो जाओ, अब दादी कहाँ है तो मिलने भी आना पड़ेगा। इंशाल्लाह। अब मैं जाती हूँ। शुक्रिया। लेती रहो बेटा। अल्लाह हाफिज। जब जवान जवान लड़कियां मोहल्ले में रात को गाड़ियों में आने लगे तो मोहल्ले वाले 100-100 सवाल उठाएंगे, कौन है ये लोग और क्या ताल्लुक है तुम्हारा इनसे।